मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तवज्जो फरमाइए। अल्लाह अज्जवजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। फिलिस्तीन के खिलाफ में पूरे यहूदी क्यों लगे हैं? क्योंकि यहाँ आवारा गर्दी करने वाले नौजवान पैदा नहीं होते। यहाँ की रुए जमीन पर आज भी अव्वल दर्जे के मुसलमान पैदा होते हैं, जो आला तालीम हासिल करते हैं, जिनका किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है। जहाँ शहीद होना लोग अपने लिए फक्र की बात समझते हैं, जिनकी जुबान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते न थकती, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबलाए अव्वल को अपनी जबीनों के साथ सजाते हैं, शहादत देते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया का यहूदी उनके खिलाफ लगा हुआ है। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों की तीसरी सबसे मुकद्दस मकाम है। फिलिस्तीन अल अक्सा का मसला सियासी नहीं। आज दुनिया भले ही इसे अलग अलग नजरियों से देखती हो, लेकिन अल अक्सा मुसलमानों का दीनी मसला है। अल अक्सा की हुर्रियत न सिर्फ उसका मुकद्दर है, बल्कि यह मुसलमानों का कामिल यकीन है। इसीलिए हम फिलिस्तीन से मोहब्बत क्यों करते हैं? ये हम या आप अपने बच्चों को बताएं। ये हमारे नबियों का मकसद और सरजमी रही है। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने फिलिस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह अज्जवजल ने हजरत लूत अलैहि सलाम को उस अजाब से निजात दी, जो उनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने इस सरजमी पर सकूनत रखी और यहाँ अपना मेहराब भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान पाक में चींटी का वह मशहूर किस्सा, जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। एक किस्सा फिलिस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हजरत जकिरिया अलैहि सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इसीलिए कहा था कि ये शिर्क से पाक है और नबियों की सरजमी है। इस शहर में कई मौजे हुए हैं, जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम के बुतन से ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई है। हजरत ईसा अलैहि सलाम की कौम ने उन्हें कत्ल करना चाहा तो अल्लाह अज्जवजल ने उन्हें इसी शहर से आसमान पे उठाया था। कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा अलैहि सलाम की वापसी इस शहर के मुकाम सफेद मीनार के पास होगा। इस शहर के मुकाम बाब ए लूत पर ईसा अलैहि सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिलिस्तीन ही अर्जे महशर है। इसी शहर से ही याजूज माजूज का किताल और फसाद शुरू होगा। फिलिस्तीन को नमाज के फर्ज होने के बाद किबलाए अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्राइल अलैहि सलाम अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से बैतुल्लाह यानी काबा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाकिया पेश आया था, वह मस्जिद आज भी मस्जिद ए किबलातैन कहलाती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन लाए गए। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में सारे नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इस्लाम का सुनहरी दौर फारूकी में दुनिया भर के फतह को छोड़कर महज फिलिस्तीन के फतह के लिए खुद उमर जालाना ने जाना और यहाँ पर जाकर नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को बताता है। दूसरी बार यानी 27 रजब 583 हिजरी जुम्मा के दिन को सलाहुद्दीन अयूबी के हाथों इस शहर का दोबारा फतह होना। बैतुल मुकद्दस का नाम कुद्दुस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान पाक नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद ए अल अक्सा रखा गया।
इस शहर के हुसूल और रोमियो के जबर वह सितम से बचाने के लिए 5,000 से ज्यादा सहाबा किराम रजालाना ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक जारी है, सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अलक्सा और शाम की अहमियत हरमैन की तरह है। उम्मते मोहम्मदी हकीकत में इस मुकद्दस सरजमी की वारिस है। फिलिस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अजर 500 गुना ज्यादा बढ़ाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही फरमाया था कि मेरी उम्मत में से एक ऐसी जमात होगी जो हक पे होगी, वो बातिलों से कयामत तक लड़ते रहेगी। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जमात कौन सी होगी? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहने वाले लोग होंगे जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। और हुजूर ने ये भी कहा था, उस जमात को दुनिया गिराने की कोशिश करेगी, मिटाने की कोशिश करेगी, बहुत उन्हें तकलीफ देगी, बहुत सारा नुकसान करेगी, मगर वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। ये है फिलिस्तीन के मुसलमान, इनके घरों में बम गिराया जाता है, फिर भी ये दूसरे दिन खड़े हो जाते हैं। अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करे और उन्हें जन्नत में बुलंद मुकाम अता करे। जिन्होंने बेघरों को घर दिया, जिन्होंने बेघरों को घर दिया, आज उनको तन्हा छोड़ दिया। मदद करने की कीमत ऐसी चुका रहे हैं फिलिस्तीनी मेरे मौला। जिनको मेहमान बनाकर लाए थे, उन्होंने ही आज इनका घर तोड़ दिया। निगाहें मुंतजीर है बैतुल मुकद्दस के फतह के लिए, निगाहें मुंतजीर है बैतुल मुकद्दस के फतह के लिए। या रब फिर किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को भेज, या रब फिर किसी सलाउद्दीन अय्यूबी को भेज।